वैशाली थाने में दाऊदनगर गांव में छेड़खानी के विवाद ने इस कदर भयंकर रूप ले लिया कि दबंगों ने पीड़ित पक्ष के 16 लोगों पर तेजाब फेंक कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। तेजाब से झुलसे लोगों को आनंद फानन में अस्पताल लाया गया, जहां से सभी को हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। माने हमारा बहन है, फूआ है, सबको आके गाली देता है, छेड़ता है सबको। उस विषय में उसको मैंने समझाया उझाया तो कहा किया कि गुट बना के 15 आदमी के आया है, रात में गाली दिया। सुबह गए चाय पी के हम आ रहे थे, बस उधर से हमारे उसके घर के बीच में कम से कम 200 मीटर का फर्क है, तो मैं उसी के उधर दुकान है, तो मैं चाय पी के आ रहा था सुबह में, तो बस वो अपना दूरा पर घेर गए, 15 को से मारने लगा मिल के, 2-3 पहले मारने लगा, उसके बाद 15 आदमी धक है बनिया से धोया है और सारा लोग झूठा है। जब ये गांव वाला सब आया है बचाने के लिए हमको, तो एसिड 5 बोतल 4 बोतल एसिड लेकर पूरा फेंकने लगा है। वहीं पुलिस अधिकारी राघव दयाल ने बताया कि नंद किशोर भगत के परिवार के सदस्यों का गांव के ही कुछ लोगों के साथ मन मुटाव चल रहा था, जिसके चलते ये सब हुआ। यहाँ पर दो पक्ष में आपस में बच्चा बच्चा को लेकर के झगड़ा प्रारंभ हुआ था, आपस में बच्चा लोग झगड़ा किया था और उसी झगड़ा में आज सवेरे में उन लोग एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पर जा करके मारपीट करने के लिए गए हुए थे, उसी में उन लोग एसिड छिड़क दिए हैं, जिससे करीब 13 आदमी एसिड से जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें, इस घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है, वहीं पुलिस गांव की स्थिति पर नजर रखे हुए है। न्यूज़ डेस्क।